अरे भाई ने सब किए हैं। काटू? हाँ काट। चलो शुक्रिया, जजाक अल्लाह बालेशा पीर के नाम से और उनके दरबार में खड़े रह के केक काट रही, बस इनकी नजरें कलम मेरे पर बने रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको पता है कि 3-4 दिन से बर्थडे के शॉपिंग चालू है, वीडियो ब्लॉग बनी रहे, तो आज ये फाइनली मेरे दिल की खुशी वाला ब्लॉग है जिसमें मुझे ज़्यादा खुशी होती है। बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट होना चाहिए, ना कि हम केक 10 केक मंगाए, 50 लोगों को खिलाए, खाए पिए और हमारे पीछे जाके बुराई करें। वो चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ मैं, ये चीज़ों में बिलीव करती हूँ और ये सच्चाई है। इससे जितनी सुकून आपके दिल को मिलेगा उतनी ठंडक आपकी ज़िंदगी में भी फैलेगी, तो ये मेरी यकीदा है। और पहले तो मेरी अम्मी और मेरे शौहर मेरी खुशियाँ ये खुशियाँ मनाते थे, बर्थडे का केक लाते थे, सब सरप्राइज वाला। अब मेरे शौहर है और मेरे बच्चे हैं तो वो लोग मनाते हैं, तो मुझे तो वो खुशियाँ मिलती है, लेकिन ये जो खुशी है ये मेरी रियल खुशी है। तो मैं, आपको पता है कि मैं यहाँ बॉम्बे में सबसे ज़्यादा बालेश्वर फिर जाती हूँ बड़े दिल से, तो ये उनकी जहाँ वहाँ चिराग रोशन होता है उसके लिए मैंने तेल का डब्बा मंगाई हूँ, और मेरे गरीब नवाज सरकार के यहाँ से मैंने लोबान लाई हूँ, जहाँ वहाँ लोबान होता है शाम को, जब ये उसके लिए लोबान है। और ये रहा, ये गरीबों के लिए कुछ पैकेट बनाऊंगी जिनके घरों में मैं पहुँचाऊँगी, हमेशा मैं मदरसों में वगैरह भी पहुँचाती हूँ। और मेरे बालेशा पीर का आपको सबको पता है कि गुम्मत का काम चालू है, तो मेरी दिली ख्वाहिश ये रहती है कि मैं छोटी मोटी सही कुछ ना कुछ करती रहूँ वहाँ के लिए। तो बस ये मेरे बर्थडे का जो मुझे सेलिब्रेशन करना है वो पैसे मैं ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ, वही पैसे से मैं मेरे बालेशा पीर के जो गुम्मत वर्ग का काम है उस पर कुछ ना कुछ ताऊ करना चाहती हूँ। तो मैं उसका ये चेक बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ें मेरे सरकार बालेशा पीर की यहाँ पहुँचेगी। और बाकी छोटी मोटी जो खुशियाँ हैं, जो मेरे बच्चे, मुझे पता है लाख में मना करूँ तो भी मेरे बच्चे कुछ ना कुछ, वो माँ बाप बच्चे मेरी बहन ये लोग सब मिलकर कुछ ना कुछ तो अरेंज करे ही होंगे। वो तो फैमिली की खुशी है और वो हक भी है मेरा, मेरी फैमिली जो खुशी देगी वो मेरा हक है, तो वो मैं मनाऊंगी ज़रूर। पर ये वाली जो खुशी है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं ये इसकी शुरुआत कर रही हूँ, और इसके आगे जो 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 रहेगा वो सारे ब्लॉक में लेते रहूँगी और पेशी खिदमत आप लोगों को दिखाऊंगी। क्या सलमान आमिर नाम रखे? ये बालेश्वर सरकार का बहुत बड़ा पुराना खिदमतगार और उनका पता नहीं क्या है, अल्लाह जाने। अमजद भाई तो बहुत ज़्यादा इनके साथ दिल लगी है, और ये बिस्किट भी अमजद भाई ने बोले आप खिलाओ, तो मेरी तो पहली बार खिला रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है उसको देख कर, कितने तो सुकून से देखो खा रहा है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, खाओ खाओ पो, ओ पो, इनका नाम पो है। देखो सरकार का दिखाओ, तो कहाँ बैठी हूँ देखो, देखो कितना अच्छा लेता है, देखो माशाल्लाह। हाँ उसका पेट भर गया लगता है अभी। ओ आजो माँ, आजो आजो आजो, ओ प्यार प्यार से भी प्यार से भी, ओ रुक जा, दो मिनट रुक जा, ओ माँ नमा ले, प्यास प्यास लगी प्यास लगी, कितनी समझ है देखो। ओ कितने अच्छे से खाता है, खाते फट 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 खा रही, देखो बोलो बाप लो बाप, ओ चला गया, कितने लग रहा है कितने शौक से खा रहे हो, हाँ वही बोल रही हूँ, माशाल्लाह यहाँ बकरा ऐसे तोड़ के दो, ले बड़ा ले जाएगा, मत डालिए नीचे, ले समझो वो नीचे का खा रहे डॉगी लोग, बस सकारात्मक
चलो शुक्रिया, जजाक अल्लाह बालेशा पीर के नाम से और उनके दरबार में खड़े रहने के काटने बस इनकी नजरे करम लेकर बने रहे। शुक्रिया जजाक अल्लाह। हमारी सायरा आपा का कल जन्मदिन है मगर एडवांस में आज हम लोगों ने आज मनाया है और वो सरकार के और गरीब नवाज के बहुत चाहने वाले हैं और यहाँ बालेशा भी सरकार पे आते रहते हैं और हमेशा यहाँ इमदाद ताउन हम लोगों को करके हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। हम ट्रस्टियों की जानिब से आज आपा का बर्थडे हम लोग दरगाह शरीफ पे बुला कर यहाँ पे मनाया गया और वो हमारे मान पर आए जजाक अल्लाह और उनको अल्लाह तंदुरुस्त और हमेशा खुश। मेरे तरफ से छोटी सी कोई चीज़ है, मेरा तो दिल बहुत है, यह हकीकत है, ना तो वीडियो के लिए ना तो दिल के लिए, ये जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे पास अल्लाह इतना दे दे कि मुझे किसी की बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े और जितना भी काम है मेरे सरकार का मैं कर सकूँ, पर अभी तक अल्लाह ने उतनी हैसियत नहीं दी है, लेकिन जो दी है मैं पेशे खिदमत कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बस बस ये मेरी जो भी खिदमत है आप कबूल कीजिए और सरकार के पास मेरे नाम से भी दुआ कीजिए और हमेशा ये दुआ में ज़रूर बोलिए कि सायरा पा हमेशा आके ये चीज़ें करते रहो बस। और ये मेरी सरकार के दर का चीज़ है जो मेरी ये सबसे बाद में ये मेरे सबसे दिल की खुशी की चीज़ है। मेरे सरकार के इधर से आई हुई लोबान और ये चिराग रोशन होने का तेल है, जितनी चिराग रोशन होगा उसकी जो लौ उठेगी उससे सारी दुनिया की जो परेशानी है उसके साथ खत्म हो और बीमारी का जड़ खत्म हो, यही दुआ और यही नीयत के साथ ये सारी चीज़ें पेश कर रही हूँ और अगर इसमें कुछ मुझे गलती हो तो माफ़ी। चलिए और सरकार वहाँ से दुबान पेश किए हैं और तेल का डब्बा भी लेके आए हैं, काम सही दिल से शुरू ऐसा करते हैं और अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको और इनको ऐसा नशा करके हर बला उसके बच्चे बचाए रखे, इनको हमेशा खुश रखे और इन्होंने इससे पहले भी ताउन किया अल्लाह ताला के तमाम ताउन को सरकार बादशाह के इनके बारगाह में फरमाएँ और इनका जो भी घर में जो भी अला बला परेशानी है आने वाली है अल्लाह ताला सरकार बादशाह के दरबार में सबके लिए तमाम मुश्किल परेशानी दूर होती है। और इसी के साथ मैं मेरे भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुँह के भाई है नहीं खून के भाई है, लेकिन कहते हैं ना कि मुँह के रिश्ते दिल से बड़े होते हैं खून से बड़े होते हैं। अब मेरे आँख से बहुत पानी आ रहा था उसके मैं बोल नहीं सकती, लेकिन अमजद भाई ने जो दिए और जो करे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया लेकिन ये जो छोटी चीज़ें होती ना ये दिल के बहुत करीब होती है, तो ये दिल के करीब वाली चीज़ें इन्होंने मेरे लिए केक अरेंज किया। हालाँकि मेरा बर्थडे कल है और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ये खुशियाँ मुझे ज़्यादा होती कि ऐसे जो मौके होते हैं ये चीज़ों के लिए होते हैं कि आपके पास जो है आप ये मौके के तौर पे ये चीज़ें आप काउंट कीजिए, बता जो ज़रूरतमंद है उनको ये चीज़ें पेश कीजिए। बस अल्लाह पाक ये मौका बनाते हैं तो मैं ये मौके का हमेशा फ़ायदा उठाती हूँ और मेरे अमजद भाई का शुक्रिया और सारे जो ट्रस्टी हैं जो भी लोग बच्चे यहाँ पे मेरे लिए जो भी अरेंजमेंट करे दिल से शुक्रिया जजाक अल्लाह। और बस अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे और आप साथ आपके सबके साथ में मुझे भी थोड़ी सी खुशी आता करे मेरे बाले शफी और सरकार गरीब नवाज। लेट हो गया ना मेरे को थोड़ा आने को,
दस बज गया। अरे क्या बोलूं अम्मी, मैं गई थी कुछ और से और पाकर कुछ और आ रही हूँ, ये देखो। वाओ, ये सब गिफ्ट्स मिले आपको उधर? अरे नहीं, उधर अमजद भाई ने, सारे ट्रस्टी लोगों ने मेरे लिए केक का अरेंज करके रखे थे सरप्राइज में, और मेरे से मुझे ये बहुत इज्जत अफजाई की उन्होंने, बहुत मतलब बहुत मेरा दिल भर कर आ गया था, बहुत रिस्पेक्ट दी। और मेरे बाली शफीर का करोड़ों एहसान, मेरे गरीब नवाज का करोड़ों एहसान, सबसे बड़ी बात मेरे अल्लाह का और मेरी माँ का बहुत एहसान है कि मुझे दुनिया में इतनी इज्जत मिल रही है। तो इंशाल्लाह, मैं सोच कर नहीं गई थी जो चीज़ मुझे मिली अभी, और सोचने से ऊपर मुझे बहुत कुछ आता हुआ है आज। तो उन सब का शुक्रिया, जजाक अल्लाह, आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतनी रिस्पेक्ट दी। और बस आगे क्या बोलूँ, ये एडवांस में मेरा उन लोगों ने बर्थडे मनाए हैं, तो बस आप देखिए, आपके साथ में ये बातें शेयर कर रही हूँ व्लॉग के जरिए, आपके पास ये बातें पहुँचाना चाहती थी, क्योंकि एक रिस्पेक्ट मिलती है तो एक दिल को बड़ी अलग सी सुकून और बड़ी अलग सी खुशी महसूस होती है। तो मैं वो चाहती थी कि वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ना मेरे घर मेरे माँ बाप है, ना सास ससुर है, बस दुनिया में अल्लाह है और गरीब नवाज है, और मेरे दो बच्चे एक शौहर है। तो बस ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और बाकी तो 4 लाख लोग मुझे पसंद करते हैं तो वो तो है ही है। तो आप लोगों का शुक्रिया, जजाक अल्लाह। आप लोग भी देखिए इंशाल्लाह, दुआ में याद कीजिए। आज मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस दुआओं में मुझे शामिल कीजिए, मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा शामिल ही है। चलिए अल्लाह हाफिज़। अब आगे का भी मुझे लगता है 12 बजे मेरे बच्चे कुछ ना कुछ कर तो रखे होंगे, बम जरूर फूटेगा।